in which wildlife reserve was India's Project Tiger introduced in 1973? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है नेचर एंड स्कोप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारा चैप्टर सेकंड है इकोनॉमिक्स का, और क्लास 11th के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे उसकी तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि हम इस इकोनॉमिक्स के मैटर में क्या पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। कंटिन्यूस डिविजन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज मेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मोर एक्सपेंसिव। दिस सब्जेक्ट मैटर कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स। जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, वो इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना देती है। तो जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है उसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि वो एक्सपेंसिव कैसे बनता है, उसे हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो हम पढ़ेंगे उन 5 पार्ट्स को। चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ। फर्स्ट टाइप है हमारा कंजप्शन। कंजप्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एसोसिएटेड विद द कंजप्शन ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पर्सनल एंड कलेक्टिव रिक्वायरमेंट। कंजप्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो गुड्स को या सर्विसेज को कैसे यूज करना है, कैसे कंज्यूम करना है कि उसका सेटिस्फेक्शन हमें पूरा सेटिस्फेक्शन मिल सके, ये कहलाता है कंजप्शन। कि इकोनॉमिक कंजप्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हम गुड्स और सर्विसेज को कुछ इस तरीके से कंज्यूम करते हैं कि उसका डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन हमें पर्सनली या कलेक्टिवली मिलता है। हमें जो कंजप्शन करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उस जो सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसे हम कंजप्शन कहते हैं। सेकेंड आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग द यूटिलिटी एंड द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोसेस ऑफ ट्रेड इज प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको उसकी सेल बढ़ानी पड़ती है। जो प्रोडक्शन होता है वो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो होती है उसे इंक्रीज करता है, उसकी जो यूज़ होता है लोगों के विषय, जो यूटिलिटी होती है उसकी, वो इंक्रीज करता है। और ये प्रोडक्शन जो है वो एक प्रोसेस है ट्रेड के अंदर, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारी ट्रेड की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन मतलब किसी भी चीज़ का बनाना, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, उसे ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। जब तक प्रोडक्ट बनेगा नहीं तब तक बेचेंगे कैसे, तब तक हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तब तक लोगों के पास पहुंचेगा कैसे, तब तक हम उस जो गुड्स है उस सर्विसेज के बारे में ये कैसे करेंगे कि वो अच्छी सर्विस है या नहीं है, या गुड्स अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है। जब तक लोग यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकते। तो और यूज़ करने के लिए हमारे पास वो प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना, तो वो प्रोडक्ट जो बनता है उसे ही हम प्रोडक्शन कहते हैं। थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड है हमारा एक्सचेंज। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज इज एसोसिएटेड विद सेल एंड परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ वांट्स। जो एक्सचेंज की प्रोसेस है वो सेल और परचेज, जो प्रोडक्ट का खरीदना और बेचना दोनों की एक प्रोसेस है। क्योंकि हम किसी भी चीज़ को, अगर प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत तो पड़ती है, मतलब हमें उसके लिए परचेस करना पड़ेगा। और अगर हमने उस चीज़ को बना दिया, हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हमने उसका प्रोडक्शन कर लिया है, तो हमें उसे सेल भी करना पड़ेगा, तभी हम जो प्रोडक्ट है उसको एक्सचेंज कर पाएंगे, तभी हम लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुँचा पाएंगे। अब यहाँ एक्सचेंज कैसे हुआ कि हमने किसी से
सामान खरीदा अपना सामान बनाने के लिए और फिर हमने हमारा सामान बेचा कि क्यों, क्योंकि हमें मनी मिल सके। तो एक्सचेंज जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस है यही मेन प्रोसेस होती है, इसी के लिए हम सारा काम करते हैं। एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बॉन्ड। जो एक्सचेंज है वो एक रिक्वायर्ड प्रोसेस है जिसके अंदर हम गुड्स का कंजप्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो बॉन्ड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकें, हमारी सारी बॉन्ड्स को फुलफिल कर सकें, इसलिए हम एक्सचेंज की प्रोसेस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वेरियस सोर्सेज, देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द रेम्यूनरेशन फॉर एवरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज एसोसिएटेड विथ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुँचाना, हमारे गुड्स पहुँचाना, हमारी सर्विसेज पहुँचाना, जो हमने कलेक्टिवली एफर्ट कर एक प्रोडक्ट को बनाया है, उस प्रोडक्ट को हम सब तक पहुँचाएंगे तभी हमें उस प्रोडक्ट की वैल्यू मिल पाएगी, हमें तभी जो हमारी इनकम है वो मिल पाएगी। तब क्योंकि हम प्रोडक्ट को ऐसे ही तो नहीं बेचते ना, हमने पहले भी पढ़ा है कि हम किसी भी चीज़ को बेचने से पहले उसके अंदर हमारा कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं, मतलब COGS मतलब कॉस्ट के अंदर हमारा कुछ प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही हम सेलिंग प्राइस बनती है, मतलब हम जिस रेट में लोगों तक पहुंचाएंगे, जिस रेट में हम लोगों को देंगे, वो रेट बनाने के लिए भी हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत बनती है। और उस चीज़ पर अगर हम उस रेट पर अगर हम लोग तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो उसका होना इम्पॉर्टेंट, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन होना इम्पॉर्टेंट है, एक मेन प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक फाइनेंस। स्टडी ऑफ पब्लिक इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डिफिकल्ट फाइनेंसिंग सिस्टम, ट्रैप सिस्टम, चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा आर डन अंडर द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स अलोंग विद टाइम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो चेंज। जो पब्लिक की इनकम है स्टडी की जो इनकम स्टडी करते हैं इनकम को लेकर, जो पब्लिक की इनकम को लेकर जो स्टडी होती है वो भी इकोनॉमिक्स है। पब्लिक एक्सपेंसेस को लेकर, एक्सपेंडिचर को लेकर जो स्टडी होती है वो भी इकोनॉमिक्स है। डेफर्ड फाइनेंसिंग सिस्टम जो है उसे लेकर जो स्टडी होती है वो भी इकोनॉमिक्स है। चाइल्ड लेबर, ट्रैप सिस्टम का मतलब ही होता है चाइल्ड लेबर, और वो भी एक इकोनॉमिक्स है। ये सब जो होता है ये एक इकोनॉमिक्स के ब्रांच के अंदर ही आते हैं। और इसी के साथ साथ जो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर्स हुए हैं वो भी चेंज होते हैं, चेंज हो रहे हैं ये भी बोल सकते हैं, और चेंज होते हैं ये भी बोल सकते हैं। तो अभी तक आपको मैंने 5 डिफाइंस बताई है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं आज के क्वेश्चन। आज मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इन विच वाइल्ड लाइफ रिसर्च वॉज इंडिया प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस्ड इन 1973। तो इसका आंसर है जिम कॉर्बेट। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।